दोस्तों, आखिर बिग बॉस 17 के घर के ऐसे कौन से अब दो कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने यहां से अब सीधे सीधे घर की सदस्य अंकिता लोखंडे के हाथों से टिकट टू फिनाले लगभग छीन लिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिग बॉस 17 के घर में इस वक्त लगभग पांच कंटेस्टेंट हैं, पांच कंटेस्टेंट बचे हुए हैं जो कि सीधे सीधे टॉप फाइव कंटेस्टेंट में शामिल होकर सीधे ग्रैंड फिनाले में पहुंच चुके हैं। लेकिन हम आपको ये जानकारी देते हैं कि घर में इस वक्त दो ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने यहाँ पर अंकिता लोखंडे को काफी ज्यादा टफ कंपटीशन दिया है, जिसकी वजह से अंकिता लोखंडे पूरी तरह से डर चुकी है। आखिर कौन है ये दो कंटेस्टेंट, किन ने छीन लिया है अंकिता से टिकट टू फिनाले, चलिए पूरी पूरी जानकारी देते हैं हम आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, बिग बॉस 17 से जुड़ी हुई हर लेटेस्ट और नई से नई और बड़ी से बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि बिग बॉस 17 का ग्रैंड फिनाले अब यहाँ पर कल होने वाला है 28 जनवरी को। अब इसका फिनाले हो जाएगा और इस बात का पता चल जाएगा कि आखिर कौन होगा बिग बॉस 17 की ट्रॉफी का असली हकदार। ऐसे में दोस्तों, अब हम आपको ये जानकारी देते हैं कि रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि बिग बॉस 17 के घर के अंदर पहले कहा जा रहा था कि अंकिता लोखंडे 100% टॉप टू में शामिल होकर रहेगी और टॉप टू में शामिल पहुंचकर अंकिता लोखंडे बिग बॉस 17 को जीत भी सकती हैं। लेकिन अब ये जानकारी सामने आ चुकी है कि घर के जो सदस्य हैं वो नंबर फोर की हैं, वो तो पहले नंबर पर है ही, लेकिन बात करें यहाँ पर दूसरे नंबर की, तो अब अंकिता लोखंडे को जिसने यहाँ पर कंपटीशन दे दिया है मुनव्वर फारूकी के बाद, उस कंटेस्टेंट का नाम है अभिषेक कुमार। जी हाँ, अभिषेक कुमार भी यहाँ पर मुनव्वर फारूकी अंकिता लोखंडे की रेस में शामिल हो चुका है और कहा जा रहा है कि अभिषेक कुमार अब वो कंटेस्टेंट बन चुका है जिसकी वजह से अंकिता लोखंडे टॉप टू से बाहर भी हो सकती है। आपने बिल्कुल सही सुना, आपको बता दें कि नंबर वन पर है इस वक्त मुनव्वर फारूकी, दूसरे नंबर पर यहाँ पर है अभिषेक कुमार और अंकिता को भेज दिया है इन दोनों कंटेस्टेंट सीधे तीसरे नंबर पर। दोस्तों, आपको लगता है कि क्या अंकिता जीतेगी बिग बॉस 17 या फिर नहीं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।